सान भाइयों चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये ताइवान देश से लाया गया अमरूद का जो पौधा है, हमारे सर ने लगाया था। दो वर्षों का समथिंग नॉलेज है इनको। सर बताएंगे कि कैसे खेती करें तो उनको अत्यधिक लाभ मिल जाए, आप लोगों को नुकसान ना हो। किस मंथ में इसकी खेती करनी चाहिए और किस मंथ में इसकी अधिक से अधिक हार्वेस्टिंग होती है, सारी जानकारी हमारे सर बताएंगे, क्योंकि ये दो वर्षों का इनको नॉलेज है। ये खेती बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो सर अपना हमारे चैनल पर नाम बता दीजिए। सुरेश कुमार। तो हमारे सर का नाम है सुरेश कुमार। तो सर आप हमारे दर्शकों को ऐसी जानकारी दीजिए, कहाँ से ये पौधा लें और किस तरह किस भूमि में इसका चयन करें। पौधा तो मैंने भी काफी ढूंढा, ढूंढने के बाद हमें समझ में आया कि ताइवान का जो है खाने में बहुत टेस्टी है। इसका रीजन ये है और फिर स्वास्थ्य के लिए तो ये निरोग्य होता है। पौधा लगाया है ये समथिंग कितने वर्ष का पौधा हो चुका है, हमारे किसान भाइयों को बता दीजिए। ये आज की डेट में 1 साल 7 महीने का हुआ है। अच्छा, आज की डेट में 1 साल 7 महीने हो चुका है। और कितनी बार इसे आप हार्वेस्टिंग कर चुके हैं, तोड़ाई कर चुके हैं? एक बार किया है भाई, 12-13 टन के आसपास 10 किलो के हिसाब से पर पेड़ ले लिया। अच्छा, पर पेड़ ले लिया। अच्छा, एक पेड़ का कास्ट बता सकते हैं हमारे दर्शकों को, बता सकते हैं कि एक पेड़ से कितना आप इनकम कमा सकते हैं? अब इसका इनकम तो बढ़ता ही जाएगा। अच्छा, बढ़ता जाएगा जितने वर्ष का ये जितना हाइट पर करेगा। हाँ, पेड़ इसका बड़ा होगा उतना। अब अगले साल हम इसको 20 किलो के हिसाब से रोकेंगे तो 13 दुना 26 टन हो गया। अच्छा, 26 टन हो गया। आपकी जो एरिया है कितनी एरिया है? ये 2 एकड़ के। अच्छा, सबकी 2 एकड़ से अधिक है हमारे जो सर खेती कर रहे हैं अमरूद की। तो इसमें पूरी लागत बताएंगे। अच्छा, हमारे दर्शकों को बता दीजिए जो इस फार्म से जुड़ना चाहते हैं कि कितनी लागत लगती है, लगभग 2 एकड़ करें या 1 एकड़ करें या समथिंग 1 बीघा करें? 2 एकड़ में करीब करीब मेरी लागत आ गई है 15 लाख। 15 लाख आ चुकी है आज की, क्योंकि मैंने जो भी यंत्र गुड़ाई खुदाई जो भी निराई वगैरह सारे नए खरीदे ना। सर देखो, ये भी बता दीजिए, जब पौधा मिनिमम हाइट का हो जाता है और फल दे देता है और उसके बाद आप हार्वेस्टिंग भी कर लेते हैं, तो पौधे की न्यूट्रन की क्षमता बढ़ाने के लिए आप क्या देते हैं? न्यूट्रन की क्षमता वही वो जैविक खाद तैयार करते हैं गोबर से, कल का कोई प्रयोग नहीं है, रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं है। अच्छा, हम ये भी देख रहे हैं आपके पूरे फार्म में देखा है कि पौधों पर पॉलीथीन लगी है और कुछ फार्म वगैरह लगा है, तो ये हमारे भाइयों को बता दीजिए कि इसका लगाने का रीजन क्या है? और कुछ हार्वेस्टिंग आपने किया है? ये फल मैंने देखा है, इसमें फल एक साइज के निकला है। जैसे कि भाइयों देख लीजिए, एक फल मैं खोल के दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये एकदम येलो कलर का निकल आया है, देख लीजिए चारों तरफ से नंबर 1 क्वालिटी का है। एक फल का वेट कितना होता है? एक फल का वेट 500 ग्राम से लेके 800 ग्राम। अच्छा, 500 ग्राम से 800 ग्राम तक हो जाता है इस फल का वेट जी। अच्छा सर, जो आपने हार्वेस्टिंग किया है जी, तो हार्वेस्टिंग करते समय कोई सावधानी भी करनी पड़ती है क्या? नहीं, बस यही देखना पड़ता है ये फल है काटने वाला या नहीं है। अच्छा, फल काटने वाला है कि नहीं? वो तो ऊपर से दिखने लगता है हल्का येलो कलर, पीला कलर का हो जाता है। अच्छा, ये भी हमारे किसान साथियों को बता दीजिए, जैसे इसमें कोई रोग वोग लगता हो उसके बारे में बता सकते हैं आप? बैगिंग करा देते हैं इसकी हम। अच्छा, नींबू साइज का हो जाता है तो आप इसको बैगिंग करवा देते हैं? ये 10-15 दिन के बाद बैगिंग करने लायक हो जाएगा। अच्छा, 10-15 दिन के बाद इसको ढक देंगे? तो कीड़ा और डांसी रोग यही फैलते हैं इसमें, अगर खुला रहेगा तो इसमें डांसी मार देगी, डंक मार देगी तो खराब हो जाएगा, तो ये इससे हो जाता है। फंगीसाइड का छिड़काव भी कर देते हैं। तो इसके निराई गुड़ाई के लिए क्या कोई आधुनिक यंत्र अपनाते हैं कि लेबर वगैरह डाल के करवा देते हैं? नहीं, मैनुअल पावर भी कभी कभी यूज करना पड़ता है, बाकी निराई गुड़ाई के लिए मेरे पास पावर टिलर है। अमरूद की फसल में कोई पौधा अधिक ग्रोथ ले रहा है, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये होता है जैसे कहीं पे मिट्टी ज्यादा अच्छी है और खाद तो मैं बराबर रेशियो लेके चलता हूँ। अमरूद का पौधा होता है एक वर्ष में 2 बार फल देता है, तो सर्दियों में भी देता है और बरसात में भी देता है। तो सर्दियों में क्या बेनिफिट होता है, बरसात में क्या बेनिफिट होता है, उसके बारे में बता दीजिए। बरसात में जब हम इसकी फसल लेते हैं तो जैसे अभी सर्दियों का ले लीजिए, सर्दियों का हमने लिया तो अब की तो मेरा थोड़ा पड़ गया उसी देसी अमरूद जो चल रहा है, देसी अमरूद की साइज में 15-20 रुपए किलो वो बिकता था। अच्छा, लेकिन खैर मेरा 100 रुपए से कम नहीं गया। अच्छा, आपका जो ये गया है 100 रुपए समथिंग। हाँ, निकल गया। हाँ, लेकिन अब हम थोड़ा विदाउट सीजन लेंगे। विदाउट सीजन का मतलब जब देसी अमरूद नहीं रहेगा। हाँ, देसी अमरूद मार्केट में नहीं रहेगा ये। हाँ, जब आ जाएगा वही सितम्बर से और नवम्बर में लेंगे।
एक अभी मतलब सितंबर से नवंबर वाली फसल वो ज्यादा बेस्ट होती है, तो वो फसल के फल भी मीठे हो मिलेंगे आपको ज्यादा स्वादिष्ट। अच्छा, जो बरसात में होता है अमरूद जो आप खेती करते हैं, बरसात में हार्वेस्टिंग लेते हैं, उस अवस्था में क्या करना पड़ता है? आपने ठंडी के बारे में बताया में होता ये है कि अब इसकी हम कटाई कटिंग जुलाई अप्रैल में भी करेंगे। अप्रैल में जो कटिंग करेंगे उसका वही आएगा, वही सितंबर अक्टूबर में फल, मतलब फल तो आ जाएगा बरसात में, बरसात में आ जाएगा उसकी, बरसात में हम इसकी पैकिंग करा देंगे क्योंकि डांस वगैरह कीड़े वगैरह बहुत होते हैं, तो उसके बाद ये हम सितंबर में हम तोड़ना शुरू कर देंगे, हार्वेस्टिंग करना शुरू कर देंगे। जब विषम परिस्थिति यानी बारिश ज्यादा होने लगी तो पानी निकालना पड़ेगा कि खेत के अगल बगल का हिस्सा खाली है या नहीं है, अगर खाली नहीं है तो एक दो बोरिंग करा दो उसी में गिरा। ये मेरा दिमाग है, मैं किसी विज्ञान के तरीके से नहीं बता, इसमें पानी भर जाए कहीं निकालने का जुगाड़ ना हो। बोरिंग का क्या हुआ, उसमें लगाया जाता है ताला, ताला होता है, जब पानी भरा ताला खोल दो, पानी जितना होगा पूर्ण नहीं होगा सब नीचे चला जाएगा, पानी खत्म। ऊंचाई देते हैं किस महीने में आप? इससे दो बेनिफिट है, एक तो पानी पास में नहीं चढ़ाव लेता है ना, दूसरा ये है कि पेड़ को पलटने नहीं देता, तो इसको हम जुलाई में करा देते हैं। अच्छा, जुलाई में करवा देते हैं। हाँ, उसी मौसम में ज्यादातर ये सब तूफान तूफान वगैरह चलते हैं, बारिश भी होती है जी। अच्छा, तो खरपतवार निकालना पड़ता है ऐसे ढकवा देते हैं? नहीं, तब बरसात में जो है जैसे पावर टिलर नहीं चल पा रहा तो मैनुअल पावर से भी करा देते हैं। सफाई करने से क्या होता है, कीड़े मकोड़े जो है कम उपजते हैं जी, फंगीसाइड वगैरह का जी। तो इसमें फंगीसाइड कौन सी ज्यादा प्रयोग करते हैं जिससे पौधा एकदम निरोगी चलता है? फंगीसाइड भी करते हैं और कीड़ा मकोड़ा अगर रोग नहीं लग रहा तो पेड़ अपने आप चलता रहता है ना, तो मैं उसके लिए कई प्रकार की पत्तियां हैं, जैसे नीम की पत्ती ले लो, कनकोर ले लो, मदार ले लो, बेसरम ले लो, इसी तरह जहरीली पत्तियों का जो है गौमूत्र में तैयार करते हैं, गौमूत्र में तैयार करके मिर्च ले लो, लहसुन ले लो, गुड़ ले लो, ये सब अनेक प्रकार के कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जो कीड़ों के लिए नुकसानदेह होते हैं, कीड़ों के लिए। अच्छा, वो भी देखना पड़ता है ना, अगर इन पत्तों से तो कोई नुकसान नहीं होता, अगर हम केमिकल का कोई प्रयोग करके हम कीड़ा मारने लगेंगे तो जो मेरे किसान मित्र हैं केचुआ वगैरह जो इनको पौष्टिक आहार दे रहे हैं वो नष्ट हो जाएंगे, वो नष्ट हो जाएंगे, इसलिए हम केमिकल का प्रयोग ना करके। नहीं, बहुत सही, आपने ऑर्गेनिक तरीके से खेती किया है, हमको बहुत कम लोग मिले हैं ऑर्गेनिक तरीके से खेती करने वाले, जो आप फार्म चला रहे हैं ऑर्गेनिक तरीके से एकदम मेंटेन किया है, ऐसे ही मेंटेन करते हैं इसीलिए आपको अच्छा बेनिफिट मिलता है। जैसे गेंदा भी आपने खेती कर रखा है, होता ये है कि जो कीड़ा पनपा, जो कीड़ा पैदा हुआ वो उस पेड़ पे ना जाके गेंदा की खुशबू में आके लपटे आ जाएगा। अच्छा, इसी में तो उसमें प्रहार नहीं कर पाएगा, वो इसे प्रभावित नहीं करेगा, फूल होंगे तो पैसे देंगे और ये पौधे को बचाने के लिए सहायक है, तो रोग से रोग ग्रस्त हो नहीं पाते हैं पौधे, खर्चा कम है। इसमें खर्चा भी कम है? खर्चा बहुत कम है। क्या खर्चा, इसमें जो हम लागत लगा रहे हैं वो तो मेरा ही निकलेगा ही। अच्छा, ये देसी गेंदा है कि कोई? नहीं, देसी गेंदा है, यही मंडियों में जाता है, छोटा पाठ में। जैसा कि हमारे सर ने जानकारी दी कि जिस भाई को खेती करना है अमरूद की, तो इस ब्रांड का चयन करें और इस तरह से खेती करें जिससे उनको अत्यधिक लाभ मिल सके। जो हमारे सर ने जानकारी दी है एकदम विस्तार तरीके से, आप देखेंगे पूरे वीडियो को स्टार्टिंग से अंत तक देखेंगे हमारे किसान भाइयों, तो आपको अत्यधिक जानकारी मिल जाएगी और इस जानकारी से आप खेती करेंगे तो आपको अच्छा बेनिफिट भी मिल जाएगा। यदि हमारे चैनल को अभी तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना जरूर न भूले जिससे नई नई वीडियो की जानकारी आप तक सर्वप्रथम पहुंच सके और एक नई जानकारी के साथ आप लोगों को हम जोड़ सके। धन्यवाद किसान साथियों।